नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यह खबर कोई फिल्मी घटना नहीं है, यह सत्य घटना है, हकीकत है और हाल ही में घटित हुई है। इस घटना में कई किरदार है, उन किरदारों का सिलसिलेवार मैं जिक्र करूंगा। एक किरदार है एक बहादुर महिला, जिसकी बहादुरी ने एक छोटी मासूम बच्ची को अपराध का शिकार होते बचाया। वहीं दूसरा किरदार है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन के काफी तीव्र गति से जांच ने अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। और तीसरा किरदार है माननीय न्यायालय। न्यायालय ने एक आरोपी को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल मामला है वसई का। वसई से 5 मार्च को एक 6 साल की बच्ची का अपहरण होता है और अपहरण करने वाला आरोपी बच्ची को लेकर मालाड़ की तरफ निकल जाता है। मालाड़ में रात के अंधेरे के समय बच्ची के साथ में वो कुछ गलत हरकत करता, उससे पहले ही एक मच्छीमार महिला वो फरिश्ता बनकर आती है और बच्ची के रोने की आवाज के ऊपर वो उस अपराधी से पूछती है, और जब उसको डाउट लगता है तो बकायदा अपराधी को 2 हाथ मारती भी है और मारने के बाद में अपराधी को भगा देती है, फिर उस बच्ची को पुलिस के हवाले करती है। महिला की इस बहादुरी से बच्ची गलत हरकत का शिकार होने से बच जाती है। जिसके बाद, जैसे मैंने पहले बोला, एक किरदार का काम खत्म हुआ, अब यहां से दूसरे किरदार का काम शुरू होता है। तो दूसरा किरदार पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को काफी तीव्रता से लिया और कुछ ही घंटों में पुलिस ने अपनी जांच पूरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से और बाकी के सारे सबूतों के आधार पर उस आरोपी की पहचान कर ली, आरोपी को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करते हुए कोर्ट में हाजिर कर दिया। आज तक हम ये देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, जल्दी न्याय नहीं मिलता है, माफ कीजिएगा, न्याय मिलता है जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन यह धारणा यहां पर आज खत्म हुई। कोर्ट में जब पुलिस ने आरोपी को खड़ा किया और कोर्ट के सामने सबूत जो आए, तब माननीय न्यायाधीश महोदय ने 5 दिन के दरमियान में आरोपी को 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। और इस तरह से एक अपराध से एक बच्ची का बचाव हुआ, तो ही दूसरी तरफ अपराधी को सजा हुई। अपने आप में यह मामला बेहद अनूठा और मिसाल कायम करने वाला है। इस मामले में उस जागरूक महिला को सलाम, जिसने इस तरह से जागरूकता दिखाते हुए रात के अंधेरे समय में उस बच्ची की जान बचाने में, बच्ची को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा, पुलिस प्रशासन को सलाम। और माननीय न्यायालय के लिए तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय तो कोई भी फैसला जो है लेते हैं वो अपने सबूतों के आधार पर लेते हैं, और इसमें भी माननीय जज महोदय ने जो कुछ फैसला लिया है वो काबिले तारीफ है ही। इस मामले पर बच्ची को बचाने वाली महिला का बयान सुनिए आप आगे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मैडम, तुमचं नाव काय? सविता कत्रू कांबळे। मैडम, तुम्हाला कसं कळालं की तिथं काहीतरी घडतं म्हणून? मी तिथे असं, मी माझ्या रोजच्या प्रमाणे मी धंदा बंद करून मी घरी जात होते, तर तिथं रडलेला मुलीचा आवाज आला तर मी वरती बघितलं, ब्रिजवर वरती बघितल्याच्या नंतर मग लाईट बंद होती तर मी वरती गेले आणि वरती जाऊन त्याला डायरेक्ट तर नाही म्हणू शकत ना, बाबा तू कुणाचं मुलगी आणलीस म्हणून। मी त्याला एवढंच म्हणलं की अरे तू कुणा पोरगी घेऊन कशाला फिरतो, जा ना तुझ्या घरी, तुझी बायको तुझी वाट बघत असेल। तर तो काय मला म्हणला की मी गेलेलो, मग मला वॉचमिननं गेटमध्ये येऊ दिलं नाही, तर मग मला डाऊट आला
अरे आता ह्याचा परिवार, ह्याची मुलगी असताना वाचमीन रोज राहणाऱ्या ठिकाणी वाचमीन कसं काय नाही येऊ देणार. मग मला डाऊट आला तर मग मी मोबाईलचा टॉर्च चालू केला. मोबाईलचा टॉर्च चालू केला तर मग मुलीला बघितलं तर मुलगी रडत होती. अंधार होता तिथं, काळोख होता, 12 वाजता लाईट बंद करतात ब्रिजची. तर मग काळोख होता तर मी मोबाईलचा टॉर्च चालू करून बघितलं तर मुलगी रडत होती. तर मग मला आणखी डाऊट आला तर मग मी काय म्हणलं की अरे बाबू तुझे पप्पा आहेत का हे, तर ती काय म्हणली नाही माझे पप्पा नाही आहे बोली. असं भैयानी आहे ना ती, तर मग नाही आहे बोली. तर मग मी म्हणलं अरे तू मुलगी तर नाही बोलती, तुझे पप्पा नाही बोलतीये, तर तू कैसा बोलताय मेरी लडकी आहे. तर नाही नाही बोलताय, मी उसका चाचा हूँ, चाचा हूँ. तर मी काय बोली चाचा आहे. तर मग ती आणखी मुलीला विचारलं बाबू तेरा चाचा आहे, तर ती मुलगी काय म्हणायला लागली नाही चाचा भी नाही ऐसा मुंडी लाया उसने. तर फिर मेरे को डाऊट आया की इसने किसी का बच्ची उठा के लाया गलत हो रहा है ऐसा रो रही थी उसमें मैं समझ गई. तो मैं उसको दो कान के नीचे खींच के दी वैसा वो बच्ची को छोड़ के उधर भाग गए. भाग गए मैं बच्ची को पकड़ा. मैं बोली अभी क्या करूँ क्या करूँ. तो फिर मैं पुलिस को कॉल किया और पुलिस को बुला के बच्ची को सौंप दिया. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.